अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पे बेटी अब बर्तन धो रही है। जब तक काम करने ना उठो ना, तो लगता है काम बहुत ज़्यादा है, और जैसे ही काम करने के लिए उठो तो माशाल्लाह से पता ही नहीं चलता, फटाफट हाथों हाथ जो है वो काम हो जाता है। तो ये यहाँ पे अभी बर्तन वॉश कर रही है। आधे इसने धो लिए थे, आधे ये धो रही है अभी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं बस किचन साफ कर लूँ, फिर मम्मी खाना वाना बनाएंगी, फिर हम आपको दिखाएंगे कि आज खाने में हम क्या बना रहे हैं। ये जो है ना, अभी खाना खा के ना यहीं पे बॉल खेलना शुरू हो गया, और मैं इसको बोल रही हूँ कि अब्दुल्ला यहाँ मत खेलो। तो अब हम घर के साफ वाफ करने लगे हैं, तो ये बाज नहीं आ रहा है। अब्दुल्ला की पिटाई कर दे। अब्दुल्ला ये यहाँ खेलने की जगह नहीं है बेटा, ये जाके बाहर खेलो, किसी चीज़ को लगभग जाएगी बेटा। ये इसके ईद के पैसे जमा हुए हुए थे, तो ये मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मुझे ना बॉल ला के दें, तो फिर इसको मैंने ला के दिए। इसको ना फुटबॉल का बहुत शौक़ है, ये देखें, तो मैंने इसको फुटबॉल जो है ना वो दिलवाई है, और मैंने इसे कहा कि नीचे जाए खेलो। अब्दुल्ला बस कर दें बेटा, कहीं लग जाएगी चीज़ें, छोटी सी जगह है, कहीं लग जाएगी बेटा घर में। क्या कह रही हूँ मैं, इधर देखो भाई, बाज आ जाओ ना, क्यों नहीं सुन रहे, इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ, कैमरे में देखो ना बेटा, सब देख रहे हैं तुम्हें। और बताओ कितनी ईदी जुमा हुई थी तुम्हें, दूर होके खड़े हो ना, वहाँ पीछे जाओ, पीछे दूर होके जाओ, कितनी, अच्छा बॉल भी उठा के दिखाओ उनको जो तुम लेके आए हो, वो तो खेलते हुए पता नहीं चल रही है ना, बॉल ला के दिखाओ, दूर होके खड़े हो ताकि नज़र आए, हाँ ऐसे दिखाओ, दिखाओ अब आगे करो करीब, ऐसे ये लेके आए, कितने की लाए ये तुम, 500 की। तो चलें इंशाल्लाह, अब मुझे सफाई वगैरह भी करने लगे, फिर आपके साथ वीडियो बनाते हैं। ये देखें जी, मैंने यहाँ बर्तन धो लिए, अब मम्मी जो है वो थोड़ी सिले वगैरह साफ़ कर रही हैं, हॉट पॉट साफ़ करके रखें, वरना ना इसमें स्मेल पैदा हो जाती है, फिर बंद रखो तो। इसको जो है ना रोज़ाना इस तरह साफ़ करिए, अगर रुमाल झाड़ा, वैसे तो कोशिश होती है कि वॉश ही करें, लेकिन कभी कभार जो है रोज़ाना इस तरह साफ़ करती है। ये चूल्हा साफ़ करेंगे अभी मम्मी, और ये देखिए यहाँ बर्तन धुल चुके हैं, ये जो स्लैब्स हैं ये साफ़ करेंगे अभी। डेली हमारे घर में जो है ना चूल्हा साफ़ होता है लाजमी, क्योंकि इस पर खाना बनता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता गंदा चूल्हा हो, तो कचरा वगैरह सारा हम साफ़ करते हैं इसे, और सारा इसको अच्छे तरीके से, कभी अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा हो तो फिर हम इसके ऊपर जो लेमन मैक्स का कपड़ा भी मार लेते हैं, ताकि इसकी चिकनाई वगैरह सब साफ़ हो जाए। और डेली करते रहो ना, तो फिर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, रोज़ रोज़ एक हाथ लग जाए ना तो वो सही रहता है। ये स्लैब चूल्हा तो साफ़ हो गया, अब स्लैब साफ़ कर रहे हैं। ये देखें खाना बनता है ना सुबह शाम, रोटियां वगैरह, तो फिर कुछ ना कुछ गिर ही जाता है इस पर, थैली है ना उसमें डालो सारी रोटियां। डेली कोशिश होती है रोज़ रात में जो है वो मैं बर्तन धोते वक्त स्लैब से सारी साफ़ करके सोया करूँ, ताकि जब आप सुबह उठते हो ना फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, साफ़ सुथरा किचन होता है, और आके जो आप अपना काम वाम कर लेते हो, फिर पहले किचन समेटो, स्लैब साफ़ करो, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए अब जो है वो किचन वगैरह साफ़ करने के बाद हम लोग घर की सफाई करेंगे थोड़ी बहुत, और उसके बाद फिर हम खाना बनाएंगे। रोज़ सोचते हैं क्या बनाएं क्या बनाएं, समझ ही नहीं आता, रोज़ एक मीटिंग हो रही होती है कि भाई क्या बने, सबसे पूछते हैं।
यहाँ पे जो है वो मैंने सारी स्लैब्स वगैरह साफ़ कर दी हैं, किचन नीट एंड क्लीन हो गया। और ये देखें यहाँ पे जो है वो हमें टेबल साफ़ कर रही हैं अब, क्योंकि झाड़ू लगेगी ना, तो उससे पहले हम ये सारी चीज़ें साफ़ कर लें ताकि जो है फिर बाद में गंदा हो। क्योंकि और आज मासी भी नहीं आई क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी, तो हमने खुद ही कह दिया था कि भाई तुम आज छुट्टी कर लो, तो आज जो है हम सारा काम खुद ही देख लेंगे। इसलिए तो मैं और मम्मी मिलकर लगे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा मिलकर साथ में घर साफ़ कर लेंगे। अब किचन भी तो हो गया और खाना भी बना लेंगे मिलकर। और इसी तरीके से आप हमारी एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। ये देखें, ये मैं ना ये लेके आई हूँ सईद गनी का ना, ये फेस वॉश है, बहुत ही अच्छा है। इसका रोज़ वाटर भी बहुत अच्छा है, तो आप भी ज़रूर इसको यूज़ करके देखिएगा, ये बहुत अच्छा है। ये सईद गनी का, ये देखें सईद गनी की तो चीज़ें वैसे भी बहुत अच्छी, प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती हैं। और ये हमने इसका वाटर तो यूज़ करते हैं, और ये भी हमने पहले यूज़ किया, हम दोबारा लेके आए हैं। यहाँ मैं चावलों को पहले भिगो दूंगी, जब तक दाल बनेगी चावल भीगे रहेंगे, फिर मैं चावल बॉईल कर दूंगी साथ में। दाल के साथ तो चावल बहुत ही मज़े के लगते हैं, हमेशा से कॉम्बिनेशन ही रहा है दाल के साथ चावलों का। और आजकल गर्मी है ना, तो हल्के ही अच्छा लगता है दाल चावल जैसे। ये कौन सी दाल कहलाती है माँ? ये जो है काली मसूर होती है ना, ये उसकी धुली हुई दाल है। ये ऑरेंज कलर वाली, ऑरेंज कलर की दाल होती है, बहुत मज़े की बनती है ये। कुछ लोग इसे मेरे ख्याल पीले में मिक्स करके बनाते हैं, पीली दाल के साथ मिलके बनती है, लेकिन ये सादी भी बड़े मज़े की लगती है। अगर आप अलग बनाते हो तब भी बहुत अच्छी है, आप लोग ट्राई करिएगा आज ये देखकर। जी यहाँ पर जो है वो दाल धुल रही है। इस दाल में कड़ी पत्ते का जो टेस्ट है ना, यकीन करें बहुत ही मज़े का लगता है। कड़ी पत्ते के बिना तो ये दाल मतलब समझ लें अधूरी है, मज़ा ही नहीं आता अगर ये दाल न डले। ये मैं पहले कड़ी पत्ता डाला, अब थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी। ज़ीरे के बगैर भी टेस्ट नहीं आता हांडी में। ये थोड़ी सी मैं काली मिर्च डालूँगी, थोड़ी सी काली मिर्च इसलिए डाली जाती है कि जो हल्दी है ना, हल्दी और के साथ जो है ना थोड़ा काली मिर्च बहुत अच्छी रहती है। ये हल्दी और ये जो मसाला है ना, ये मैंने घर पे बनाया हुआ है, ये मसाला, ये मैं आपको बताऊंगी, ये मैंने होममेड बनाया हुआ है। ये थोड़ा सा अदरक लहसुन डालूंगी, ये देखें कलर कितना खूबसूरत आया है, बहुत हसीन लग रहा है। ये कुटी हुई लाल मिर्च, खुशबू इतनी प्यारी आ रही है करी पत्ते की। ये आप इस तरह बना के देखिएगा, हर एक का अलग अलग तरीका होता है, तो मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। इसको आपने थोड़ा सा भूनना है, ये थोड़ा सा पानी डाल के ये इस तरह मैंने इसको भूना है। 2 मिनट लगते हैं, ये इतनी क्विक दाल है ना कि आप, और गर्मियों में ये तो बहुत ही अच्छी लगती है ये दाल। आपने कहाँ से सीखी ये रेसिपी? ये रेसिपी जो है ना, ये मेरी एक दोस्त ने बनाई थी और उसने मुझे खिलाए थे, तो फिर मैंने दोबारा ये अपने घर में भी इस तरह बनाया। अब आपके सब्सक्राइबर्स भी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, आप बनाइए इस तरह और करें, ज़रूर करें। अभी जब मैंने हल्का सा मसाला भूना, अब मैंने ये जो दाल भिगो के रखी थी, अब मैं ये डाल दूँगी। रोटी के साथ भी मज़े की लगती है, लेकिन चावलों के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी है। और यकीन करें इसके साथ किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, ना अचार की ना किसी चटनी की। बहुत सारे लोग इसमें टमाटर भी डालते हैं, प्याज भी डालते हैं, लेकिन ना कोई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आप प्याज भी डालो टमाटर भी डालो, बाद में नहीं डालते हैं। अब मैं इसमें पानी डालूँगी, जितनी मैंने इसको लिक्विड रखना है, पतला रखना, उतना मैंने पानी डाल दिया। कितनी देर में ये बन जाएगी? बस बन जाती है 10-15 मिनट में, ये नरम पड़ जाती है, जल्दी से हो जाती है। जाहिर कच्ची तो नहीं खानी ना, जब अच्छी तरह आपको लगे कि ये मिक्स हो गई है, मुलायम हो गई है, तो उसके बाद आप देखें, आके इसको चेक करें। कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम अगर ज़्यादा लेती है तो कोई बात नहीं, बस अब इसको एक उबाल आएगा तो फिर मैं इसको हल्के गैस पर रखूँगी। ये बस यहाँ पर उबाल आने वाला है,
जैसे उबाल आएगा मैं गैस हल्का कर दूँगा। और यहाँ पर मैं चावल भी मैंने रख दी, काफ़ी देर हो गई थी भिगोए हुए, साथ में चावल भी रेडी कर लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे सर्व करके। साथ ही अजान हो गई थी, नमाज मैंने अदा कर ली, तो मैं अंदर खाना देख रही थी। तो ये देखें उबाल आ गया ना, अब मैं इसको हल्के गैस पे छोड़ दूंगी, देखें नरम होना शुरू हो गई, नरम हो गई, ठीक है। चल अब जब तैयार हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। बस ये देखें जी दाल यहाँ पर। डियर फ्रेंड्स, नमक जो है वो मैं डालना भूल गई थी, तो मैं अब डाल रही हूँ। आप लोग साथ ही डाल लीजिएगा मसालों के, आप साथ ही डालिएगा, आपको पता है इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें घरों में हो जाती हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह दाल जो है ना, ये देखें बेहतरीन रेडी हो गई है, ये देखें। देखें कितने मज़े की लग रही है दाल। दुधला खाओ, बहुत मज़े की बनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जैसे मैंने बनाई है इसी तरह बनाइएगा। तो इसके साथ ही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी और मेरी वीडियो पसंद आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। दुधला तुम भी बोल दो, हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करो, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी करवाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।